वजह यह है कि सामने अपोजिशन को डिमोरलाइज करना और उसकी वजह से उनके एकजुट होने की जो मेहनत है, जो एकजुट होने की एक प्लेटफॉर्म पे आने की जो कोशिश है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगे, इसलिए इस तरीके की एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि भाई उनके कार्यकर्ताओं के दरमियान एक उत्साह पैदा किया जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के दरमियान कि हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। जब आंकड़े उनके खिलाफ आएंगे, रिजल्ट उनके खिलाफ आएंगे, तो कहीं रिएक्शन होगा, मतलब कहीं वातावरण खराब हो, कुछ मतलब झगड़े फसाद हो, इस तरीके का वातावरण पैदा हो, मुल्क में माहौल पैदा हो, ये एग्जिट पोल जो है ये सिर्फ दो कारण की वजह से इस तरीके के एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से और कांग्रेस के नेता की हैसियत से हम सब की उम्मीदें, उनकी अपेक्षा, हमारी अपेक्षा है कि राहुल गांधी जी भारत के आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बने। और यही बात हम लेकर चल रहे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं आ रही है, यूपीए की आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी मेजोरिटी कांग्रेस की होगी। कांग्रेस 200 के आसपास का आंकड़ा टच करेगी और बाकी उसको बाहर से जो सहायता मिलेगी, चाहे ममता दीदी का हो, चाहे फिर उसको आरजेडी हो, चाहे उसको डीएमके जो स्टैलिन है डीएमके की हो, तो इस तरीके से कांग्रेस मिली जुली एक सरकार बनाने जा रही है जिसके नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी का। बीजेपी कलकत्ता के अंदर जाके रैली करती है, कोलकाता में जाके रैली करती है और वहाँ पे रैली करने के लिए गुजरात से बसें आ रही है, राजस्थान से बसें आ रही है, यूपी से बसें आ रही है, बिहार से आ रही है। मतलब आपको कोलकाता जीतना है लेकिन आपको बंगाली साथ में चाहिए नहीं, मतलब उनके पास लोकल कार्यकर्ता नहीं है, तो बाहर के इलाकों से ले जाना और दूसरे के इलाके में जाकर सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए कि वातावरण खराब हो, दहशत का माहौल हो, खौफ का माहौल हो, ये बीजेपी की हमेशा राजनीति रही है, डराकर लोगों को डराया जाए, बहकाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं वातावरण निर्माण करने की बीजेपी ने कोशिश की और जो सारी चीज़ें हैं वो वीडियो में एक एक चीज़ सामने है कि किस तरीके से बीजेपी हर जगह पर, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उनका आखिरी आंकड़ा जो आखिरी जो उसका दाव जो इनका होता है वो यही होता है कि किसी तरीके से दहशत का माहौल पैदा हो, सांप्रदायिक माहौल पैदा हो, कम्युनिज्म कम्युनलाइज किया जाए। इस तारीख ये जितने एग्जिट पोल है, मैं एक हैशटैग चलाने वाला हूँ, बोलती बंद। ये जितने एग्जिट पोल वाले हैं सबकी बोलती बंद होने वाली है 23 तारीख को। मुझे एक चीज़ समझ, सबसे पहले तो जहाँ तक एग्जिट पोल की बात करें, 99 के बाद से, 1999 के बाद से आज तक जितने भी एग्जिट पोल आए वो सब के सब गलत साबित हुए, कोई भी 100% भी कभी सही साबित नहीं हुआ।